मैंने अभी कंपटीशन खेला था एमेच्योर ओलंपिया, उसमें मेरा वेट था 84.6, मतलब 84, मतलब 85 लगा लो, 85 किलो वेट था। आज मेरा 105 किलो वेट है। दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, ये 10 एग की भुजी है, तो 10 अंडे की, और इसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर। नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल फिटनेस का। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि फुल डे डाइट दिखा रहा हूँ जो मैं गेनिंग में यूज करता हूँ, ठीक है ना। और आज पहली बार ऐसी डाइट दिखा रहा हूँ जिसमें कि मैं नॉन वेज का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अंडे खाने शुरू कर दिए हैं। तो पहली डाइट है मेरी लाइफ की है जिसमें मैं एग दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी वीडियो दिखाऊंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, जन्मदिन की इतनी 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 सारी विशेष मिली, बहुत प्यार मिला आप सबका। तो ऐसे ही प्यार बना रहे सबका, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और जिस जिस भाई को मेरी पूरी दिन की देखना होता कि मैं क्या डाइट ले रहा हूँ, कौन सा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ में आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं आप। मैं स्टोरी डालता रहता हूँ पूरे दिन, कहाँ घूम रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कैसे वर्कआउट करता हूँ, कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज करता हूँ, तो सब कुछ स्टोरी पे होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, चलिए। दोस्तों मॉर्निंग में उठता हूँ, मॉर्निंग में उठते सबसे पहले अपना एक गिलास पानी पीता हूँ, उसके बाद फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले जब मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, तो जिम जाने से पहले उबले आलू और थोड़ी सी दही अगर मिल जाती है, तो वैसे नहीं, कई बार हो पाता कई बार नहीं हो पाता, ऑप्शन बता रहा हूँ। तो उबले आलू ले लेता हूँ दोस्तों, मैं उबले आलू और दही ले लेता हूँ वर्कआउट से अपना 40 मिनट पहले, और ये ऑप्शन नहीं होता कई बार मेरे पास, तो मैं करता हूँ 2 ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, और उसके साथ 1 केला। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन कर लेता हूँ वर्कआउट से पहले, मतलब कार्ब्स की लोडिंग करता हूँ वर्कआउट से 40 मिनट पहले। तो ये खाने के बाद मैं 40 मिनट बाद अपना लेता हूँ प्रीकोर, एक स्कूप प्रीकोर, मतलब आधे से कम गिलास पानी में प्रीकोर डालता हूँ। जो मेरी स्टोरी देखते हैं इंस्टाग्राम पे, पता होगा प्रीकोर, ये मैक्सिमम वेलनेस का प्रीकोर, जो मुझे सबसे अच्छा प्री वर्कआउट लगता है यूज करने में। इसके बाद मैं पीने के बाद जाता हूँ जिम, 15 से 20 मिनट बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद वर्कआउट के बीच में अगर मुझे लगता है कि गर्मी ज्यादा है और मुझे बहुत हैवी वेट करना है, क्योंकि गेनिंग में हैवी वेट यूज होता है, और जो शेड्यूल है वो काफी टफ है, उसकी भी सीरीज आएगी पूरी, तो उसके बीच में मैं लेता हूँ एमिनेटर, एक स्कूप, मतलब एक गिलास पानी में शेकर में डाल के ले जाता हूँ जिम में, फिर बीच में पीता रहता हूँ। और कई भाई मेरे पूछते हैं कि बीच में पानी पी सकते हैं, भाई बिल्कुल पी सकते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, आप पानी बिल्कुल पी सकते हैं वर्कआउट के बीच में। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं लेता हूँ एक स्कूप अपना आइसो एक्स मैक्सिमम वेलनेस का, आपने देखा होगा नीला डब्बा से मैं यूज करता हूँ, तो वो लेता हूँ रिकवरी के लिए। तो प्रोटीन पीने के 40 मिनट बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट खाता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ, ये 10 एग की भुजी है, तो 10 अंडे की, और इसके साथ 2 ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, अपना ओट्स, इसमें 1 चम्मच शहद है, और साथ में उबले आलू। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है अपनी रिकवरी के लिए। तो दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद 20 से 25 मिनट बाद मैं लेता हूँ एक मल्टीविटामिन, एक ओमेगा 3 की टैबलेट। और मैं, आप कई भाइयों को ऐसा लगेगा कि इतनी सारी डाइट, देखो ये वो सच है जो बॉडी बिल्डिंग का जो कड़वा सच है वो यही है। अब कई मेरे भाई को लगेगा इतना सारा खाना पड़ता है पूरे दिन में, तो अच्छी गेनिंग करनी है आपको। मेरा वेट है 105 किलो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और जो मैंने अभी कॉम्पिटिशन खेला था एमेच्योर ओलंपिया, उसमें मेरा वेट था 84.6, मतलब 84, मतलब 85 लगा लो, 85 किलो वेट था। आज मेरा 105 किलो वेट है, मसल मास भी बढ़ा, वीडियो में पता नहीं कैसा दिखता है, लेकिन लगता है कि कोई कपड़े आते नहीं अब कोई भी साइज में, हर बाइसेप्स, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स सब में। तो दोस्तों जैसा आप वर्कआउट करेंगे, जैसा आप न्यूट्रिशन लेंगे, उसके साथ सप्लीमेंट जो आपके ऐड होंगे, तो वो पूरा मिलके आपको रिजल्ट देता है। क्योंकि कई भाइयों को ये इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई भाई मेरे को कहते हैं कि फर्क नहीं आ रहा, फर्क नहीं आ रहा, इस डाइट को फॉलो करेंगे आपको पूरा फर्क आएगा। तो और ब्रेकफास्ट के बाद आपको पूरे दिन में कोई भी खाना खाते हैं उसके आधे घंटे बाद पानी पीना, और पूरे दिन में कम से कम भी 6-7 लीटर पानी पी लेता हूँ, नहीं प्यास होती तब भी पीता हूँ, क्योंकि इतने सारी चीजें यूज होती हैं, उबले आलू, अंडे, कई भाई कहते हैं कि गर्म होते हैं पीनट बटर, तो उसके लिए आपको पानी भी पीना है पूरे दिन में। तो बात करते हैं लंच की, लंच है वाइट राइस, अपनी दाल, उबले आलू, और सैलेड में अपने खीरे और प्याज, और एक कटोरा अपने दही। तो ये अपना लंच है, जो कि कई मेरे भाई कहते हैं भाई हमें गेन नहीं हो रहा, तो दोस्तों गेन करना है तो आपको उसी हिसाब से खाना होगा, कार्ब्स, आपके प्रोटीन, ठीक है ना। पूरे दिन की मैं दिन जगह दिखाता हूँ, तो ये मेरा लंच है। इसमें कई जगह कई बार राजमा हो जाता है, कई बार छोले हो जाते हैं, कई बार सोयाबीन की बड़ी हो जाती है चावल के साथ। मैं दिन में चावल ही खाता हूँ, कभी कभार एक दो रोटी हो जाती है, वैसे तो चावल ही खाता हूँ गेनिंग में। तो अब बात करते हैं इवनिंग की। इवनिंग में शाम को मैं लेता हूँ ब्लैक कॉफी, साथ में कोई बिस्किट होता तो बिस्किट ले लेता हूँ,
क्योंकि मन करता है ना खाने का। तो वैसे जरूरी नहीं है आपका मन करा आप ले सकते हैं बिस्किट, कई भाइयों को आदत होती है चाय की तो चाय भी पी सकते हैं, मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूँ। फिर अपना शाम को कोई 5-5:30 बजे प्रोटीन लेता हूँ एक स्कूप पानी में, उसके साथ कोई भी फ्रूट होता है सेब होता है केला होता है साथ खा लेता हूँ। उसके 1-1.5 घंटे बाद या तो कच्चा पनीर, जो मेरे भाई गेनिंग कर रहे हैं उनके लिए या तो कच्चा पनीर हो जाए 200 ग्राम, या जो एग खाते हैं उनके साथ वाइट एग हो जाए उबले हुए अंडे हो जाए 6-8 जैसी आप खा सकते हो आपकी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इवनिंग में अपना प्रोटीन हो गया, उसके 1 घंटे बाद हो गए आपके उबले अंडे जो वेज है वो खा सकते हैं पनीर, और उसके बाद बात करते हैं आप डिनर की। डिनर में मैं खाता हूँ अपने ओट्स, उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, उसके साथ अपने 4 बॉयल्ड एग, मतलब 4 में से वो जो उनका अंदर का पार्ट होता है वो नहीं खाता, सिर्फ वाइट खाता हूँ अंडे, 4 अंडे अपना ओट्स, आप दलिया भी ले सकते हो, और ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी सारी कट करके बॉयल करके ये खाता हूँ। और रात को सोने से पहले हम 2 स्ट्रॉन्ग फोर्स, मैक्सिमम वेलनेस का स्ट्रॉन्ग फोर्स आपने मेरी स्टोरी में भी देखा होगा, तो 2 टैबलेट देता हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्स की, आपका टेस्ट बूस्टर है, स्ट्रेस फ्री करता है, आपकी मसल रिकवरी करता है और आपको अच्छी बढ़िया नींद आती है। तो ये पूरे दिन की अपनी गेनिंग डाइट है, जो मेरा भाई फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, और जो ये कहते हैं ना कि भाई गेन नहीं हो रहा, तो उनके लिए स्पेशली एक बात करना चाहूँगा, इस डाइट को फॉलो करें, गारंटेड आपका वेट बढ़ेगा और आप गेन करेंगे अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार करते रहें, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया है, बेल आइकन को दबा लें, बेल आइकन से क्या होगा जो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको आएंगे, और बीच में अपनी टूर ट्रैवलिंग की वीडियोस भी आती रहती है क्योंकि आप सब बहुत प्यार करते हैं, तो इसके लिए, और आपकी सीरीज भी आने वाली है पूरी आदित्य के साथ भी आएगी, तो कमेंट करके बताओ आदित्य वाली पहली आए या अपनी गेमिंग सीरीज पहली आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।